दोस्तों आपने लिफ्ट इस्तेमाल करते हुए कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि लिफ्ट में मिरर मतलब शीशे क्यों लगे होते हैं? जब 1832 में पहली बार इलेक्ट्रिक मशीन का इस्तेमाल हुआ तब से लेकर आज तक इस भागदौड़ की दुनिया में हर कोई अपना समय बचाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करता है। अमेरिका के एलिशा ओटिस ने पहली बार लिफ्ट का आविष्कार 1852 में न्यूयॉर्क में किया। आगे चल के जर्मनी के वर्नर सीमेंस ने 1880 में लिफ्ट में इलेक्ट्रिक मशीन का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से बड़े बड़े टावर में इन लिफ्ट का इस्तेमाल करना शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में लिफ्ट मेटल में बंद कमरे जैसे हुआ करती थी, जिसमें शीशे भी नहीं थे। उस वक्त लोगों को इसकी स्पीड ज्यादा लगती थी और वो लोग इसमें अनकंफर्टेबल फील करते थे, और उस वक्त ऐसी बहुत सी शिकायतें लिफ्ट कंपनी के पास आई थी। हालांकि उस वक्त लिफ्ट इतनी तेजी से जाया नहीं करती थी, जबकि लोगों के पास लिफ्ट में करने जैसा कुछ नहीं था, इसलिए उन्हें ये महसूस होता था और लोगों का ध्यान लिफ्ट की खाली मेटल की दीवारों पे ही रहता था। इसी बात को देते हुए एलिवेटर कंपनीज में लिफ्ट में शीशे लगाए, जिससे लोगों का ध्यान लिफ्ट के शीशे में अपने आप को देखने और संवारने में चला जाता था, जिससे लोगों को लिफ्ट की स्पीड और ऊपर नीचे जाने के बारे में पता ही नहीं चलता। अगर ये जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और इसके स्पेक्टर को सब्सक्राइब करें।